कैसे आप सब लोग? उम्मीद आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक जो है ना बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप लोग सिर्फ लास्ट तक देखिएगा और मेरी बात से कुछ चीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा। टॉपिक आपके सामने, डिवाइड या क्यों हम पाकिस्तानी जो हैं कोशिश करते हैं कि इस कंट्री को छोड़ दें, या प्लान कर रहे हैं कि इस कंट्री को छोड़ दें। बहुत ज़्यादा कसी तादाद में जो टैलेंटेड स्टार टैलेंटेड इंडिविजुअल्स हमारे, चाहे किसी भी प्रोफेशन से, डॉक्टर, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कोई भी प्रोफेशन के लोग, वो क्यों पाकिस्तान को छोड़ना चाह रहे हैं। और जो लोग ये कह रहे हैं दिली दिली के अंदर कि नहीं जनाब, हम तो नहीं छोड़ के जाएंगे, दोस्तों अपने आप को धोखा देना बंद कर दो। हम सब जानते हैं कि हमारे माइंडसेट में, हमारे दिलो दिमाग में क्या चीज़ है, हम क्यों इस कंट्रेस को छोड़ना चाहते हैं। द रीज़न इज दैट कि हम एक तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे पास टैक्सेस हैं, इन्फ्लेशन है, ये सेकेंड नहीं है। इन्फ्लेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, ये सब सेकेंडरी बात है। सबसे इम्पोर्टेंटली बात यह है कि हम अपने मुल्क में ही सेफ नहीं हैं। हम अपने मुल्क में ही, मतलब हमारे ना जान माल की, इज्जत आबरू की कोई हिफाजत नहीं है। आपके सामने भी रिसेंटली बहुत सारे वाकयात हुए हैं। मैं किसी को कोट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं एक बार ज़रूर कहना चाहूँगा। देखिए दोस्तों, या उन सब लोगों से मैं वाकिफ़ हूँ जो अपने पावर की बेसिस पे बोलते हैं कि तुम्हें हम देख लेंगे, तुम जानते नहीं हो मेरे बाप को, मेरे शोहर को नहीं जानते। ये ऐसे डायलॉग्स आपने अपनी लाइफ में बहुत दफ़ा सुने होंगे, जो अक्सर चलते फिरते रोड पे आपको नज़र आते होंगे। हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में खून इतना सस्ता है दोस्तों, जान इतनी सस्ती है, कोई भी किसी को मार के चले जाता है। एक चीज़ ज़िंदगी में याद रखिएगा, मैं इन सब लोगों से एक बात करना चाहूँगा। देखिए दुनिया से तो सबको जाना, आज नहीं तो कल सबको इस दुनिया से जाना है, ये तो हमारा ईमान है, सही ना दोस्तों। ये बात याद रखिएगा कि जब आपने अगर किसी चीज़ को ना हक किया है, तो उसका कर्म, उसकी जो चीज़ है ना, वो आपको इस दुनिया में नहीं, उस दुनिया में भुगतनी पड़ेगी। मैं आपको एक दो एग्जांपल्स दूंगा, दो किस्से सुनाऊंगा, और तो सुनिएगा मेरी बात। एक मछेरा था, वो समंदर पर उसने मछली पकड़ी, ताज़ी ताज़ी मछली पकड़ी, बड़ा खुश था कि यार देखो आज बहुत अच्छे दिनों के बाद एक अच्छी मछली मेरे हाथ में आई है। तो एक सामने से एक बंदा आता है, वो उससे ज़ोर ज़बरदस्ती से वो मछली छीन लेता है। जब वो मछली छीन लेता तो आपने देखा होगा मछली अक्सर जो होती है थोड़ी थोड़ी जिंदा होती है, जब नई नई पानी से निकलती, तो वो क्या करती है, उसके हाथ में यहाँ पे उसके काट लेती है। वो बंदा, उसको परेशानी होती है, खून निकलता है, वो डॉक्टर के पास जाता है। वो डॉक्टर कहता है अच्छा थोड़ा सा ज़ख्म है, पट्टी करता है, छोड़ देता है, कहता है एक हफ्ते बाद देखते हैं तो वो ज़ख्म और ताज़ा होता है। तो कहता है ये उंगली काटनी पड़ेगी, वरना हाथ काटना पड़ता है। फिर वो क्या करता है, उंगली काटते हैं, फिर बैंडेज करता है, फिर देखते हैं, फिर एक हफ्ते बाद आता है तो ज़ख्म और ताज़ा, तो बोलता पूरा हाथ काटना पड़ेगा, यहाँ तक हाथ चले जाएगा। फिर वो हाथ यहाँ तक काटता है, फिर उसको बैंडेज करता है, फिर ये जब एक हफ्ते बाद दोबारा खुलता है तो यहाँ तक वो देखता है कि पूरा का पूरा ज़ख्म ताज़ा होता है। उसने बोला ये पूरा हाथ काटना है, यहाँ तक पूरा काटना पड़ेगा, मैं ये पूरा हाथ चले जाएगा। अब वो बंदा परेशान कि यार ये दिन ब दिन जो है ये क्या होता जा रहा है इसका। तो उसने बोला तूने किसी के साथ ना हेल्प तो नहीं किया था, सोच दिमाग लड़ा उसके पास। तो वो बोलता है हाँ एक दफ़ा मुझसे गलती हो गई थी, मैंने किसी की मछली ज़बरदस्ती छीन के लेकर आया था। वो कहता है जाओ उसके पास, ना रगड़, माफ़ी मांग, कुछ भी करना है जाओ उसके पास। वो बंदा दौड़ा ढूंढता बहुत दिन लगा देता, उस बंदे को ढूंढ ही लेता आखिरकार। वो बोलता है यार मेरे साथ ये हो गया है, तूने ऐसा क्या कहा था, तूने ऐसा क्या किया था। तो दोस्तों उस बंदे का जवाब सुनिएगा, लाजवाब हो जाएगी। उसने कहा जब तूने मुझसे ज़बरदस्ती मछली छीनी थी ना, तो मैंने कुछ नहीं कहा था, मैंने सब ऊपर देख के कहा था यार ये रियाद इसने मेरे साथ ऐसा किया है, इसने मुझे अपनी पावर दे गई, तुम अपनी इसको पावर दे। दोस्तों दुनिया में बड़े से बड़ा बंदा भी है ना, वो इस दुनिया को तो छोड़ो, इस दुनिया में तो अपनी हर पावर इस्तेमाल कर लेता है। अल्लाह के सामने जाके क्या जवाब दोगे दोस्तों, अल्लाह के सामने जाके क्या जवाब दोगे जाके। मुझे सिर्फ इतनी सी बात बता दो कि, और अल्लाह ताला तो खुद कहता है मैं अपने हुकूम तो शायद माफ़ कर दूँ, अपने बंदों के हुकूम नहीं माफ़ कर दूँगा, तुमने उसके साथ ना हक किया।
सोचिए इस चीज़ के बारे में। ये बहुत कोई आम बात नहीं है, कोई मामूली बात नहीं है जो हम लोगों ने मजाक बना के रखा हुआ है ना कि आज हमारे किसी को भी गाली देना, किसी के दिल में बोझ रखना, किसी को गलत बातें करना, आप इस चीज़ को ये हल्की बात नहीं है दोस्तों, एक बात मेरी गौर से समझिए। उसके अलावा हमारे पास एक और चीज़ आती है, हमारे टैलेंटेड स्टाफ क्यों चले जाते हैं आप वो सोच, जब उनको एड वैल्यू नहीं मिलेगी, सारी ज़िंदगी पढ़ते रहे, सारी ज़िंदगी एक्सपीरियंस हासिल करते रहे, अब तो उनका टाइम आता है ना कि यार वो अपनी ज़िंदगी के लिए जिए, क्या वो जी सकते हैं? नहीं जी पाते। आप खुद सोचें, हमारे मुल्क में टैक्सेशन का निज़ाम सबसे पहले हम लेते हैं, मैं हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं उनसे सवाल करना चाहूँगा, हमारे आप सेल्स टैक्स के अंदर देखते होंगे, सेल्स टैक्स से स्टार्ट पूरी चेन होती है, हर बंदा मैन्युफैक्चरर अपना प्रॉफिट रखता है, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, होलसेलर, रिटेलर सब अपना प्रॉफिट रखते हैं, उस प्रॉफिट पे जो 18% का टैक्स होता है, जो चीज़ 100 रुपये की थी वो 200-250 रुपये की हो जाती है, और उसका सारा बर्डन जो होता है वो एक एंड कंज्यूमर इस्तेमाल एंड कंज्यूमर को देना पड़ता है। इसका क्या मतलब हुआ है यार कि हर किसी के प्रॉफिट पे जितना टैक्स लगेगा वो एंड कंज्यूमर जो खरीद रहा है आखिर में वो भरेगा, क्या ये जस्टिफाइड है? और सेकंड बात एक मुझे बताएं, 18% का रेट दुनिया में आप कहीं भी जाके देख लें, दुनिया में कहीं भी जाके देख लें, आप इतना बड़ा रेट, आपको इतना बड़ा टैक्स सिस्टम नज़र नहीं आया। और जहाँ पे टैक्स सिस्टम आप बोलेंगे इंग्लैंड में, नीदरलैंड्स में, हर जगह पर टैक्स दोस्तों, या मैं सबसे बात करूँ वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट, बच्चों की एजुकेशन, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका मेडिकल, आपकी सेफ्टी, हर चीज़ प्रोवाइडेड है फ्री ऑफ कॉस्ट। और यहाँ पे अगर आप अपने बच्चे को कहीं खाना खिलाने के लिए जाते हैं, अपनी फैमिली को कहीं खाना खिलाने के लिए जाते हैं, उस पे भी आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा। यार कहाँ की इंसान याद है यार, कहाँ की लोग, कहाँ का जस्टिफिकेशन? आपके इलेक्ट्रिसिटी के बिलों पर सेल्स टैक्स भी है, फर्दर टैक्स भी है, और आप सोचें एडवांस टैक्स भी है, यार क्या क्या चीज़ें टैक्स लगाओगे? अगर आपके घर का बिल मिसाल लेते 10,000 रुपये का होता है, वो टैक्स लगते 15,000-14,000 रुपये। दोस्तों ये कहाँ की इंसानियत है यार, ये कहाँ की माइंडसेट है यार, समझ में नहीं आती इस चीज़ के, मतलब आप खुद भी नहीं दे सकते हैं। मैं नेगेटिव बात नहीं कर रहा, इसका मतलब तो ये हो गया, इफ़ यू वॉन्ट टू लिव इन दिस कंट्री, इफ़ यू वॉन्ट टू स्पेंड टाइम इन दिस कंट्री, आपको एक तरह से एक होता है ब्राइबरी देनी पड़ेगी, सांस लेने के पैसे देने पड़ेंगे गवर्नमेंट को कि आप इंडिपेंडेंट स्टेट में रहते हैं। क्या यही विजन था कायद आजम का? क्या यही ड्रीम था लामा इकबाल का? क्या यही इस नज़रिए के तहत इस मुल्क को बनाया गया था? क्या आज हम कंसिडर कर सकते हैं कि वी आर इंडिपेंडेंट? वी आर नॉट इंडिपेंडेंट यार, चलते फिरते हमें कोई भी मार सकता। आप इंफ्रास्ट्रक्चर जाके देख लें, आप सब लोग सुबह निकलते हैं, शाम में रात में घर में आते हैं, दिल क्या चाहता होगा कि चलो बच्चों को लेके कहीं चलते हैं, ड्राइव कर लेते हैं। आप जब घर से बाहर निकलते हो आपको गड्ढे 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 पूरा पूरा शहर खुदा पड़ा हुआ होता है, आप क्या लाइफ इंजॉय करोगे? दिस इज द रीज़न व्हाई वी आर प्लानिंग टू मूव टू अनदर कंट्री। आप जाके देख लें इमिग्रेशन के दफ्तरों के बाहर, आप पासपोर्ट ऑफिस में जाके देख लें, रश की इंतहा देख लें। द रीज़न इज दैट कि हम यहाँ से क्यों जाना चाहते हैं, बिकॉज आप खुद सोचें, आप खुद एनालाइज करें अपने आप को। दोस्तों मैं किसी को बुरा भला नहीं कह रहा, आप अपने आप को खुद एनालाइज करें कि आप जहाँ पे ग्रॉसरी पहले पैसे कितने के लिए देते और आज कितने के। हम सबको पता है हम प्रेशराइज हैं, हम सबको पता है हम प्रेशराइज हैं। अब तो टाइम ऐसा आ जाएगा कि जहर खाने के लिए भी आपको टैक्स देना पड़ेगा, जहर खरीदने के लिए भी टैक्स देना पड़ेगा, और कब्र में जाने के बाद भी टैक्स देना पड़ेगा। दोस्तों मैं आपको फिर वही बात करना चाहूँगा, उन सब लोगों से मुखातिब हूँ, आप ये खुद सोचें कि मर के अल्लाह के पास क्या मुँह दिखाओगे? कितने साल की ज़िंदगी, 80-90 साल, इससे ज़्यादा नहीं है, इससे ज़्यादा नहीं है ना, जाना तो रब के पास ही है ना। और उस वक्त जाके अल्लाह के सामने क्या जवाब दोगे यार? अल्लाह के सामने क्या जवाब देंगे? क्या हम बहुत बड़े बदमाश थे? बहुत अल्लाह ताला ने, मैं आपको बताऊं, आप इस्लामिक हिस्ट्री से जाके पढ़ेंगे ना आप लोगों का दिमाग खराब ठिकाने आ जाएगा कि आप ये बोलेंगे अल्लाह ताला ने जो ना है हुक्मरान थे ना उस पूरी कौम को सफर चट कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। हम तो अब ब्लेस देंगे, हमें एक
पाक जात की दुआएं हैं, सल हमारे नबी की दुआएं हमारे साथ जो आज तक स्टिल एग्जिस्ट करते हैं, वरना हम लोग तो सबके ख़त्म हो चुके होते हैं। बुजुर्गों की दुआएं हैं, अपने हमारे नबी की दुआएं, वरना हम लोग सबके ख़त्म हो चुके हैं। जो ये बातें करते हैं ना, जो जो आजकल सोशल मीडिया पर चल रहा है, एक्सीडेंट हुआ जिस लोग कहते हैं कि भाई तुम मेरे बाप को नहीं जानते, तुम मेरे शौहर को नहीं जानते, मैं बहुत बड़ी खातून हूँ। दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊँ, आपकी कब्र में ना सिर्फ एक कफन जाता है, जो कि वो भी खत्म हो जाता है कुछ महीने के बाद, वो भी खत्म हो जाता है, और उसके बाद आप होते हैं और सिर्फ आपके अमान रह जाते हैं। दोस्तों ये बात याद रखिएगा। और दुनिया देखिए दोस्तों, दुनिया में मकाफत है, अमल है, आप जो बोएंगे इंशाल्लाह आपको ऊपर जाके मिलेगा। जो उसको आपने ना कत्ल किया, मारा, कुछ भी किया, वहाँ पे जाके जब आपका निर्वाण पकड़ेगा ना, तो आपकी सोच जाने वाला चले जाता है दोस्तों, दुनिया से जाने वाला चले गया, चले जाता है। लेकिन जो आपका हल करेगा ना बाद में, या आप जो अल्लाह के फरिश्ते आपका हल करेंगे ना, आपकी सोच है, आप सोच नहीं सकते, इमेजिन नहीं कर सकते। मैं ये इसलिए इतना फोर्स करके बार बार रिपीट कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, अगर आज भी अपने आप से आपने इस्तीफा कर लिया, बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सके ना, बहुत परेशानी होगी। मेरी बात को गौर से ध्यान रखिएगा। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो ना, तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। नहीं भी करो कोई मसला नहीं है, लाइफ अपनी चेंज कर लेना। मैं यहाँ पे व्यूज़ कमाने नहीं आया, मैं सब्सक्रिप्शन कमाने नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ जो मेरे माइंड सेट में जो बात है ना, वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। ये चैनल सिर्फ इस चीज़ के लिए नहीं है कि मेरे पास गोल्डन सिल्वर कार्ड आ जाए, गोल्डन जिनकी कॉन्ट्रैक्ट आ जाए, इस चीज़ के लिए नहीं मुझे होना। सिर्फ जो ऑब्जर्व करता हूँ ना, लोगों की माइंडसेट को ऑब्जर्व करता हूँ। लोग विक्ट्री का साइन करते हैं सर, लोग इस चीज़ का साइन करते हैं ना हक करने के बाद, जिस जज ने वो चीज़ लिखी, जिस एडवोकेट ने वो बातें लिखी हैं, और जो ये विक्ट्री का साइन कर रहे हैं, डरो उस दिन से जिस दिन अल्लाह को पकड़ा आपके पास नहीं आएगा, डरो उस दिन से। मेरी बात को पॉजिटिव लीजिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।